वाली, खतरा पहुंचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की भी शपथ लेते। मई हर वर्ष जो है एंटी टेररिज्म डे के रूप में मनाया जाता है, तो इस बार भी सरकार ने फैसला लिया कि आज का दिन जो है एंटी टेररिस्ट डे के रूप में मनाया जाए। लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं कि कोरोना की स्थिति है और उसकी गाइडलाइन के अनुसार ज़्यादा गैदरिंग इकट्ठा का होना मनाही है, तो इसलिए ये आदेश आए थे गवर्नमेंट की तरफ से कि हर ऑफिस जो ऑफिस का जो है ब्रांच का जो अधिकारी है वो अपनी ब्रांच में जितने भी 4-5 अधिकारी हैं वो सब अपना अलग अलग शपथ लें। और शपथ में जो कहा गया है कि जिस तरह की हमारे देश की भावना रही है और हमारी पहचान रही है, हम अहिंसा और सहनशीलता का पालन करते हुए सभी समाज के वर्गों के बीच में एक सामंजस्य सामाजिक सद्भाव पैदा करें और हर प्रकार के विघटनकारी शक्तियों से का डट कर लो। उनसे कोई समस्या उनको आ रही है, परेशानी आ रही है अपना रोजाना का कार्य करने में, बिजनेस करने में, तो उसको कोई हमारे पास ऐसी चीज़ आती है तो उसको हम बैठ के विचार विमर्श करके भी उसका हम ऐसा समाधान निकालें। जो कोरोना की जो शर्तें हैं उनमें तो हम ढील नहीं दे सकते, लेकिन आपका बिजनेस आपका कार्य कैसे चले उन शर्तों के अनुसार, तो उसको हम हमेशा से फ्लेक्सिबल रहा है हमारा इसमें एटीट्यूड। लेकिन कोरोना से लड़ने की जो आपने हमारी बाध्यता है और लोगों को जो इसके बारे में मानना है, वे आपने मास्क पहनना है, ओपन में नहीं थूकना है, सोशल डिस्टेंस रखनी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। उससे कोई समस्या उनको आ रही है, परेशानी आ रही है अपना रोजाना का कार्य करने में, बिजनेस करने में, तो उसको कोई हमारे पास ऐसी चीज़ आती है तो उसको हम बैठ के विचार विमर्श करके भी उसका हम ऐसा समाधान निकालें। जो कोरोना की जो शर्तें हैं उनमें तो हम ढील नहीं दे सकते, लेकिन आपका बिजनेस आपका कार्य कैसे चले उन शर्तों के अनुसार, तो उसको हम हमेशा से फ्लेक्सिबल रहा है हमारा इसमें एटीट्यूड। लेकिन कोरोना से लड़ने की जो आपने हमारी बाध्यता है और लोगों को जो इसके बारे में मानना है, वे आपने मास्क पहनना है, ओपन में नहीं थूकना है, सोशल डिस्टेंस रखनी, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं। ये तो जो पीनल प्रोविजंस हैं उनके पीनल प्रोविजंस के अनुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज काफ़ी हद तक अभी मैंने रिपोर्ट ली है जो इस बाजार में, तो काफ़ी ठीक चल रहा है, सभी लोग उसको मान रहे हैं, तो समझ रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ रहना है। तो कोरोना के साथ रहने के साथ साथ हम किस तरह से अपनी एक्टिविटी भी चला सकें और जो उससे लड़ने की हमारी एक बाध्यता है और जो हमारे पास उसके लड़ने के हथियार हैं उनको भी हम सही समझ सही तरह से इस्तेमाल